आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी विरचित द्वादशानु प्रेक्षा हिंदी पद्यानुवाद बसंत तिलका छंद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विरचित। द्वादशानु प्रेक्षा देव शास्त्र गुरुस्तवन सन्मति को मम नमन हो मम मति सन्मति हो सुर नर पशु गति सब मिटे गति पंचम गति हो गति पंचम गति हो चंदन चंदर चांदनी सेजन धुनि अति शीत उसका सेवन मैं करूं मन वचतन करनीत मन वचतन करनीत सुर सुर गुरु तक गुरु चरण रज सर पर सु चढ़ाए यह मुनि मन गुरु भजन में निषिदन क्यों न लगाए निषिदन क्यों न लगाए। श्री कुंद कुंदाय नमः। कुंद कुंद को नित नमो हृदय कुंद खिल जाए परम सुगंधित महक में जीवन मम खुल जाए जीवन मम खुल जाए। श्री ज्ञान सागराय नमः। तरणी ज्ञान सागर गुरु तारु मुझे ऋषीश करुणा कर करुणा करो कर से तो आशीष कर से तो आशीष। द्वादशानु प्रेक्षा कर पद्यमय अनुवाद मात्र प्रयोजन यह रहा मोह मिटे परमाद मोह मिटे परमाद। द्वादशानु प्रेक्षा आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ का यह पद्यानुवादात्मक भाषांतरण है। द्वादश भावनाएं ही द्वादश अनुप्रेक्षाएं हैं। अनित्य अशरण एकत्व अन्यत्व संसार
लोक अशुचि आश्रव संवर निर्जरा बोधि दुर्लभ तथा धर्म इन अनुपरीक्षाओं का मार्मिक विवरण दिया गया है। ये भावनाएं वैराग्य रूपी उपवन में शांति सुखामृत का रसास्वादन कराने वाली है। इन भावनाओं को यदि माता का रूप दिया जाए तो कल्याण की भावना से मोक्ष मार्ग पर तत्पर मुमुक्षु रूपी बालक की ये सदा रक्षा सहायता करती है। इन भावनाओं का महात्म्य प्रकट करते हुए भगवत कुंद देव कहते हैं कि भूत वर्तमान अथवा भविष्य में सिद्ध हुए हो रहे अथवा होंगे उन सभी ने इन भावनाओं का ही सहारा लिया था। वसंत तिलका छंद के 91 पद्यों में यह कृति अनुदित हुई है। मात्र 69वीं गाथा ऐसी है जिसका अनुवाद वसंत तिलका के 4 पदों के स्थान पर 6 पंक्तियों में हुआ है। ग्रंथ का समापन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र थूबौंजी जिला गुना मध्य प्रदेश में ईस्वी सन 1979 के वर्षा योग के दौरान हुआ था। मंगलाचरण प्रतिज्ञा वाक्य। उत्कृष्ट ध्यान बल से भव बंध तोड़ा, दी सिद्ध ढोक उनको द्वय हाथ जोड़ा, 24 तीर्थ कर की कर वंदना में, पश्चात कहूँ सुखद द्वादश भावनाएं, संसार लोक वृष आश्रव निर्जरा है, अन्यत्व अशुचि अद्रव संवरा है, एकत्व अशरणा अवबोधनाये, भावे सुधी सतत द्वादश भावनाये। अनुप्रेक्षाएं अनित्यानुप्रेक्षा। सर्वोत्तमा भवन वाहन यान सारी, ये आसनादि शयनादिक प्राण प्यारी, माता पिता स्वजन सेवक दास दासी, राजा प्रजा जन सुरेश विनाश राशि, लावण्य लाभ बल यौवन रूप प्यारा, सौभाग्य इंद्रिय सतेज अनूप सारा, आरोग्य संग सब में पल आयु वाली, हो नष्ट जो सुधनु बुध यो पुकारे, हो के मिटे की बल देव नरेंद्र का भी, नागेंद्र का सुपद त्यों न सुरेंद्र का भी, ये मेघ दृश्य समया जल के बबूले, विद्युत सुरेश धनु से नसते समूले, लो शीर नीर सम मिश्रित काय यो ही, जो जीव से दृढ़ बंधा नश जाय मोही, भोगोप भोग अघ कारण द्रव्य सारे, कैसे भले ध्रुव रहे व्ययशील वाले, है वस्तुत नर सुरासुर वैभवों से, आत्मा रहा पृथक भिन्न भवो भवों से, ऐसा करो सतत चिंतन जी रहा है, आत्मा वही अमर शाश्वत ही रहा है।
अशरणानुप्रेक्षा। घोड़े बड़े रथ खड़े मणि मंत्र हाथी विद्या दवा सकल रक्षक संग साथी। पै मृत्यु के समय में जग में हमारे होंगे नहीं शरण ये बुध यो विचारे। है स्वर्ग दुर्ग सुर वर्ग सुभृत्य होता है वज्र शस्त्र जिसका वह इंद्र होता। ऐरावता गज गजेंद्र सवार होता नाना उसे शरण अंतिम बार होता। अश्वादि पूर्ण बल है चतुरंग सेना दूसात रत्न निधिया नव रंग लीना। चक्रीश को शरण ये नहीं अंत में हो खा जाए काल लखते लखते इन्हें वो। लो रोग से जनन मृत्यु चरादि को से रक्षा निजात्म निज की करता घोषे। त्रैलोक में इसलिए निज आत्मा ही है वस्तुत शरण लो अघ खात माही। ये पांच इष्ट अरहंत सुसिद्ध प्यारे आचार्य वर्य उवझाए सुसाधु सारे। आत्मा निजात्म मैं ही करता इन्हीं है आत्मा अत शरण ही नमता मुझे है। सद्ज्ञान और समदर्शन भी लखी है सच्चा चरित्र तप भी जिसमें बसे है। आत्मा वही नियम से समझो कहाता आत्मा अत शरण हो मम प्राण त्राता। एकत्वानुप्रेक्षा। आत्मा यही विविध कर्म करे अकेला संसार में भटकता चिर से अकेला। है एक ही जन्मता मरता अकेला है भोगता कर्म का फल भी अकेला। है एक ही विषय की मदिरा सदा पी ओ तीव्र लोभ वश होकर पाप पापी। तिर्यंच की नरक की दुख योनियों में भोगे स्वकर्म फल एक भवो भवो में। दीपात्र दान उस धर्म निमित्त आत्मा है एक ही करत पुण्य अये महात्मा। होता मनुष्य फल तदिवि देव होता पै एक ही फल लखे स्वयमेव ढोता। उत्कृष्ट पात्र वह साधु अहो रहा है सम्यक्त्व से सहित शोभित हो रहा है। सम्यक्त्व धार एक देश व्रति सुहाता है पात्र मध्यम सुश्रावक ही कहाता। सम्यक्त्व पा अवृति रहता सरागी
होता जघन्य वह पात्र न पाप त्यागी। सम्यक्त्व से रहित मात्र अपात्र जानो, भाई अपात्र अरुपात्र सही पिछानो। विभ्रष्ट है पतित दर्शन भ्रष्ट जो है, निर्वाण प्राप्त करते न निजात्म को है। चारित्र भ्रष्ट पुनिचारित ले सिजेंगे, पे भ्रष्ट दर्शन तया नहीं वे सिजेंगे। मैं हूँ विशुद्ध तम निर्मम हूँ अकेला, विज्ञान दर्शन सुलक्षण मात्र मेरा। एकत्व का सतत चिंतन साधु ऐसा, आदिर्यमान करती रहती हमेशा। अन्यत्वानुप्रेक्षा। माता पिता सुत सुतावनिताव भ्राता, है जीव से पृथक है रखते न नाता। ये बाय में सहचरी दिख भी रहे हैं, मोहाभिभूत मदिरानित पी रहे हैं। स्वामी मरा मम रहा मम प्राण प्यारा, यो शोक नित्य करता जड़ ही विचारा। पै डूबता भव पयोनिधि में जी की, चिंता कभी न करता गलती यही की। मैं शुद्ध चेतन अचेतन से निराला, ऐसा सदैव कहता समदृष्टि वाला। रे देह नेह करना अति दुख पाना, छोड़ो उसे तुम यही गुरु का बताना। संसारानुप्रेक्षा। संसार पंचविध है, दुख से भरा है रोग शोक मृत्यु जन्म जहां जरा है। जो मूढ़ गूढ़ निज को न निहारता है, संसार में भटकता चिर हारता है। संसार में विषय पुद्गल में अनेको, भोगी तजे बहुत बार नितांत देखो। संसार द्रव्य परिवर्तन वो रहा है, अध्यात्म के विषय में जग सो रहा है। ऐसा न लोक भर में थल ही रहा हो, तूने गहा न तन को क्रमशः जहां हो। छोटे बड़े धर सभी अवगाहनों को, संसार क्षेत्र पलटे बहुश अनेको। उत्सर्पिणीव अवसर्पिण की अनेको, कालावली वर्तती अई भव्य देखो। यूं जन्म मृत्यु उनमें बहु बार पाए, हो मूल काल परिवर्तन भी कराए। तूने जघन्य नरकायु लिए बिताए,
ग्रेवय कांत तक अंतम आयु पाई। मिथ्यात्व धार भव के परिवर्तनों को पूरे किए बहुव्यतीत युगों युगों को। लो सर्व कर्म स्थितियों अनुभाग बंधो बांधी प्रदेश विधि के ऐभव्य बंधो। मिथ्यात्व के वश हुए भव में भ्रमाए ऐसे अनंत भव भाव मई बिताए। स्त्री पुत्र मोह वश ही धन है कमाता पापी बना विषम जीवन है चलाता। तो दान धर्म तजता निज भूल जाता संसार में भटकता प्रतिकूल जाता। स्त्री पुत्र धान्य धन ये मम कोश प्यारे यो तीव्र लोभ मद पी सब होश टारे। सद्धर्म से बहुत ही बस ऊब जाते मोही अगाध भव सागर डूब जाते। मिथ्यात्व की उदय से जिन धर्म निंदा पापी सदैव करता नहीं आत्म निंदा। जाता कुतीर्थ वकुलिंग कुधर्म माने संसार में भटकता सुन तू सयाने। हो क्रूर जीव वध भी कर मांस खाता पीता सुरा मधु चखे तन दास भाता। पापी पराय धन स्त्री हरता सदा है संसार में गिर सहे दुख आपदा है। संसार में विषय के वश जो रहेगा सो यत्न रात दिन भी अघ का करेगा। मोहांधकार युत जीवन जी रहा है संसार में भटकता लघु धी रहा है। दोनों निगोद चौथावर सप्त सप्त है लक्ष्य हो विकल इंद्रिय है षडत्र है वृक्ष लक्ष्य दश चौदह लक्ष्य मर्त्य चौरासी लक्ष्य सब योनि सुजान मर्त्य। मानापमान मिल जाए अलाभ होता होता कभी सुख कभी दुख लाभ होता। होता वियोग विनियोग सुयोग होता संसार को निरख तू उपयोग जोता। है कर्म की उदय से जग जीव सारे दिग्मूढ़ घोर भव कानन में विचारे। संसार तत्व नहीं निश्चय से तथापि है जीव मुक्त विधि से चिर से अपापी। होता अतीत भव से पढ़ आत्म गाथा आदेय ध्येय वह जीव सदा सुहाता।
संसार दुख सहता दिन रैन रोता, ऐसा विचार वह केवल ही होता। लोकानु प्रीक्षा। जीवादि द्रव्य दल शोभित हो रहा है लोक स्वीकृत सुनो तुम वो रहा है। पाताल मध्य पुनि ऊर्ध्व प्रभेद द्वारा सो लोक भीतर विध है दुख का पिटारा। नीचे जहाँ नरक नारक नित्य रोते हैं, मध्य में जलधि द्वीप असंख्य होते हैं। ऊर्ध्व में स्वर्ग 63 वेद वाले, लोकांत में परम मोक्ष मुनीश पाले हैं। 130 पुनि 7 विचार 2 है 1 1 6 यो क्रमवार जो है, और 3 बार 3 है 1 1 सारे। ऋज्वादि ये पटल 63 हैं उजाले। स्वर्गीय मर्त्य सुख हो शुभ से सुनो रे, शुद्धोपयोग बल से शिव हो गुणो रे। पाताल हो अशुभ से पशु या विचारो, यो लोक चिंतन करो अघ को विसारो। अशुच्यानु प्रेक्षा। पूरी ढकी चरम से बहु अस्थियों से, काया बंधी वलपटी पल पेशियों से। कीड़े जहाँ बिलबिला करते सदा है, मैली घृणा सुपद यही तन संपदा है। बीभत्स है तन अचेतन है विनाशी, दुर्गंध मांस पल का घर रूप राशि। धारा स्वभाव सड़ना गलना सदा ही, ऐसा सुचिंतन करो शिव राह राही। मज्जा व मांस रस रक्त व मेद वाला है, मूत्र पीव कृमि धाम शरीर कारा। दुर्गंध है अशुचि चर्म मई विनाशी, जानो अचेतन अनित्य अरे विलासी। है कर्म से रहित है तन से निराला, होता अनंत सुख दाम सदा निहाला। आत्मा सचेतन निकेतन है अनोखा, भावना सतत तू इस भांति चोखा। आश्रवानु प्रेक्षा। मिथ्यात्व अवृत्ति व कषाय चारु, अयोग आश्रव रहे इनको विसारो। ये 5 5 क्रमश चौतीन भाति, सत शास्त्र शुद्ध इनका शुचि गीत गाते। एकांत अविनय अविपरीत चौथा, अज्ञान संशय करे निज रीत खोता। मिथ्यात्व यो नियम से वह पंचधा है,
हिंसादि से अवृति वह पंचधा है। माया प्रलोभ पुनि मानव क्रोध चारु होते कषाय दुख दे इनको विसारो। वाक्काय और मन ये त्रय योग होते वे सिद्ध योग बिन हो उपयोग ढोते। होता द्विधा वह शुभाशुभ भेद द्वारा प्रत्येक योग समझो गुरु ने पुकारा। आहार आदिक रही यह चार संज्ञा होता वही अशुभ है मन मान अज्ञा। लेश्या सभी अशुभ जो प्रतिकूल बाना धिक्कार इंद्रिय सुखों नत झूल जाना। ईर्षा विषाद इनको जिन शास्त्र गाता ये ही रहे अशुभ सो मन दुख दाता। नौनो कषाय मय जो परिणाम होना सम्मोह रोष रति को अविराम ढूना। हो स्थूल सूक्ष्म कुछ भी जिनका बताना वे ही रहे अशुभ सो मन दुख बाना। स्त्री राज चोर अरु भोजन की कथाएं माना बुरा वचन योग करे व्यथाये। औछेद नादि वध नादि बुरी क्रियाएं सो काय का अशुभ योग यति बताएं। पूर्वोक्त जो अशुभ भाव उन्हें विसारे छोड़े तथा अशुभ द्रव्य अशेष सारे। हो संयमी समितिशील व्रतों निभाना जानो उसे शुभ रहा मन योग बाना। बोलो वही वचन जो भव दुख हारी सो योग है वचन का शुभ सौख्यकारी। सद्देव शास्त्र गुरु पूजन लीन काया सो काय योग शुभ है जिन ईश गाया। जो दुख रूप जल जंगम से भरा है ले दोष रूप लहरे लहरा रहा है। खाता भवार नव जहां यह जीव गोता है कर्म आश्रव सहेतु सदीव होता। जो ही कुधि कर्म आश्रव खूब पाता त्यों ही अगाध भव सागर डूब जाता। सज्ञान मंडित क्रिया कर तू जरा से है मोक्ष का वह निमित्त परंपरा से। ज्यो ही कुधि कर्म आश्रव खूब पाता त्यों ही अगाध भव सागर डूब जाता। जो आश्रवा वह क्रिया शिव का न हेतु ऐसा विचार कर नित्य नितांत रेतु। हो साश्रवी वह क्रिया न परंपरा से निर्वाण हेतु तुम तो समझो जरा से।
संसार की गमन का वह हेतु होता है। निंद्य आश्रव हमें भव में डुबोता। पूर्वोक्त आश्रव विभेद निरे निरे हैं। आत्मा विशुद्ध नय से उनसे परे है। आत्मा रहा उभय आश्रव मुक्त ऐसा। चिंते सभी तज प्रमाद सुधी हमेशा। संवरानुप्रेक्षा। सम्यक्त्व का दृढ़ कपाट विराट प्यारा। जो शून्य है चल मिला दिया गाढ़ द्वारा। मिथ्यात्व रूप उस आश्रव द्वार को है। जो रोकता जनक ही जग सार सो है। पाली मुनीश मन पंच महाव्रतों को। रोके सही अवृति मय आश्रवों को। जो निष्कषाय मय पावन भाव धारी। रोके कषाय मय आश्रव द्वार सारी। औचित्य है कि शुभ योग विकास पाता। सत्य स्वतः अशुभ योग विनाश पाता। शुद्धोपयोग शुभ योगन को नशाता। ऐसा वसंत तिल का यह छंद गाता। शुद्धोपयोग बल वो मिलता जिसी है। तो धर्म शुक्ल मय ध्यान मिली उसी है ध्यान हेतु विधि संवर का इसी से। ऐसा करो सतत चिंतन भी रुचि से। जीवात्म में नवर संवर भाव होता। वो तो विशुद्ध नय से सुचि भाव ढोता। आत्मा विमुक्त वर संवर भाव सीरे। ऐसा सुचिंतन सदा कर चाव सीरे। निजरानुप्रेक्षा। जो भी बंधा पृथक हो विधि आत्मा से। सो निज राज न कहे निज की प्रभा से। हो संवराज सनजी परिणाम द्वारा। हो निर्जरा वह उसी परिणाम द्वारा। सो निर्जरा द्विविध एक असंयमी में। होती सभी गतन में एक संयमी में। आद्या स्वकाल विधि का झरना कहाती। दूजी तपश्चरण का फल रूप भाती। धर्मानुप्रेक्षा। हे धर्म ग्यारह तथा दश भेद वाला। सम्यक्त्व से सहित है निज वेदशाला। सागार और अनगार जिसे निभाते। पाश्रेष्ठ सौख्य जिन यो हमको बताते। सद्दर्शना सुव्रत सामय की सुभक्ति। औप्रौषधि सचित त्याग दिवाभिभुक्ति। हे ब्रह्मचर्य व्रत सार्थक नाम पाता।
आरंभ संघ अनुमोदन त्याग साता उद्दिष्ट त्याग व्रत ग्यारह ये कहाते हैं एक देश व्रत श्रावक के सुहाते प्यारी क्षमा मृदुलता रजुता सचाई औशौच संयम धरो तप धार भाई त्यागो परिग्रह अकिंचन गीत गालो तो ब्रह्मचर्य सर में डुबकी लगा लो साक्षात्कार यदि हो उससे खड़ा है जो क्रोध का जनक बाहर में अड़ा है पै क्रोध लेश तक भी मन में न लाते पाते क्षमा धर्म वे मुनि है कहाते हूँ श्रेष्ठ जाति कुल में श्रुत में यशस्वी ज्ञानी सुशील अति सुंदर हूँ तपस्वी ऐसा नहीं श्रमण हो मन मान लाते औचित्य वे परम मार्दव धर्म पाते कौटिल्य छोड़ मुनि चारित पालता है हीरा भसा विमल मानस धारता है सो तीसरा परम आर्जव धर्म पाता है अंत में नियम से शिव शर्म पाता मिश्री मिले वचन ये रुचते सभी को संताप हो श्रवण से न कभी किसी को कल्याण हो स्वपर का मुनि बोलता है सो सत्य धर्म उसका दृग खोलता है भोगाभिलाष जिसने मन से हटाया वैराग्य भाव दृढ़ से निज में जगाया ऐसा महामुनि पना मुनि ही निभाता सो शौच धर्म माय जीवन है बिताता जो पालता समिति इंद्रिय जीतता है योग रोध करता व्रत धारता है ऐसा महाश्रमण जीवन जी रहा है सद्धर्म संयम सुधा वह पी रहा है फोड़ा कषाय घट को मन को मरोड़ा लो साधु ने विषय को विष मान छोड़ा स्वाध्याय ध्यान बल से निज को निहारा पाया नितांत उसने तप धर्म प्यारा वैराग्य धार भव भोग स्वदेह से वो देखा स्व को यदि सुदूर विमोह से हो तो त्याग धर्म समझा उसने लिया है संदेश यो जगत को प्रभु ने दिया है जो अंतरंग बहिरंग संग नंगा होता दुखी नहीं सुखी बस नित चंगा निर्द्वंद्व हो विचरता अनगार होता भाई वही वर अकिंचन धर्म ढोता सर्वांग देख कर भी वनिता जनों की
होते न मुग्ध उनमें मुनि है अनोखे। तो ब्रह्मचर्य व्रत धारक वे रहे हैं, कंदर्प दर्प अघहारक वे रहे हैं। सागार धर्म तज के अनगार होते, शास्त्रानुसार यति के व्रत सार जोते। रीते रहे न शिव से अनिवार्य पाते, यो धर्म चिंतन करो मई आर्यताते। सागार धर्म यति धर्म निरे निरे हैं, आत्मा विशुद्ध नय से मन से परे है। मध्यस्थ भाव उनमें रखना इसी से, शुद्धात्म चिंतन सदा करना रुचि से। बोधि दुर्लभानु प्रेक्षा सज ज्ञान होय जिस भांति उपाय द्वारा, चिंता करे उस उपायन की सुचारा। चिंता वही परम बोधि अहो कहाती, सो बोधि दुर्लभ अतीव मुझे सुहाती। जो भी क्षयोपशम ज्ञानन की छटाई, है हेय कर्म वश लो उपजी दशाएं। आदेय मात्र निज आत्म द्रव्य होता, सज्ञान सो यह सुनिश्चय भव्य होता। होते असंख्य तम लोक प्रमाण सारे, मूलोत्तरादि विधिये पर द्रव्य न्यारी। आत्मा विशुद्ध नय से निज द्रव्य भाता, ऐसा जिनागम निरंतर नित्य गाता। ऐसा सुचिंतन जभी दिन रात होता, आदि यहे वह क्यात होता। आदि यहे नहीं निश्चय में सयानी, चिंता सुबोध मुनि सो भव कूल पाने। है वस्तुत सकल बारह भावनाई, आलोचना सुखद शुद्ध समाधि आई। ये ही प्रतिक्रमण है बस प्रत्य खाना, भावनानत अत इनकी सयाना। आलोचना सुसमताव समाधि पाली, सच्चा प्रतिक्रमण का सुचि भाव भाली। औ प्रत्यखान कर रे दिन रात भाई, है चांदनी क्षणिक तो फिर रात आई। भा बार बार बस बारह भावनाई, विभूत में शिव गए चिन भाव पाई। मैं बार बार उनको प्रण मूत्र संध्या, मेरा प्रयोजन यही तज दू अविद्या। जो भी हुए विगत में शिव और आगे, होंगे नितांत पुरुषोत्तम और आगे। महात्म्य मात्र वह द्वादश भावना का,
क्या अर्थ है अब सुदीर्घ प्ररूपणा का, जो कुंद कुंद मुनि नायक ने निभाया है, निश्चयादि व्यवहार हमें सुनाया, भाता विशुद्ध मन से इसको वही है, निर्वाण प्राप्त करता शिव की मही है।